हाय एवरीवन दिस वन सुमित शर्मा एंड आप देख रहे हैं एक और बेहद इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स वीडियो ऑन लॉन्च पैरास ऐसी और वीडियोस विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या डिफरेंट स्टेट सिविल सर्विज की एंड इन एनी गवर्नमेंट एग्जाम उसके लिए के सभी missions, उसके लॉन्च वहीकलोटेंट एंड ऑन चैनल को कॉम्प्रिहेंसिवली आप कवर कर सकते हैं बाय विजिटिंग द प्लेलिस्ट करेंट अफेयर फॉर यू 2024. तो इस वीडियो में बात करेंगे जितने भी लॉन्च व्हीकल्स इसरो अभी प्रेजेंटली इस्तेमाल कर रहा है या फिर इन द पास्ट यूज किया करता था या फ्यूचर में कुछ यूज किए जाने वाले ऐसे लॉन्च व्हीकल्स जिनकी अभी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन चल रही है तो ये सभी लॉन्च व्हीकल्स हम आज डिस्कस करेंगे विच आर वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सो हिस्टोरिक लॉन्च व्हीकल्स की बात करें तो सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल या ऑगमेंटेड सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये कुछ लॉन्च व्हीकल्स थे जो इन द पास्ट इसरो ने यूज किए अभी प्रेजेंटली ऑपरेशनल क्या है एंड ये हिस्सा आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर इंस्टेंस द पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल जियो सिंक्रॉनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसको हम जीएसएल बुलाते हैं जीएसएल मार्क थ्री विच इज इवन मोर पावरफुल लॉन्च व्हीकल और इसको हम एल वी एम थ्री के नाम से अभी प्रेजेंटली इसका जो लेटेस्ट नाम है ये इसे यूज कर रहे हैं देन स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स साउंडिंग रॉकेट्स ये सभी डिफरेंट लॉन्च व्हीकल्स हैं जिनका इस्तेमाल इसरो अभी प्रेजेंटली कर रही है इसके अलावा कुछ री लॉन्च व्हीकल्स हैं जिसका टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है दैट मीन्स ऐसे लॉन्च व्हीकल्स जो एक बार इस्तेमाल करने पर ख़राब नहीं हो जाएंगे बिकॉज अभी तक जितने भी लॉन्च व्हीकल्स हम यूज़ करते हैं वो बहुत कॉस्टली हैं एंड इसरो सारी दुनिया में जानी जाती है बहुत कम खर्चे में वर्ल्ड क्लास स्पेस मिशन लॉन्च करने के लिए तो ऐसे में री यूजेबल लॉन्च व्हीकल्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप सेम लॉन्च व्हीकल्स को डिफरेंट पेलोड्स डिफरेंट सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए बार बार यूज कर सकते हैं देन देर इज अनदर टेक्नोलॉजी नोन एज स्क्रैम जेट इंजन इसका भी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन अभी चल रहा है और फाइनल स्क्रैम जेट इंजन को यूज करते हुए लॉन्च व्हीकल्स भी आने वाले समय में इसको तो यूज करेगा तो इसमें जो सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल है उसकी बात करते हैं दिस इज दी एस एल वी मार्क थ्री जिसे एज वी डिस्कस्ड एलवीएम थ्री के नाम से भी आजकल जाना जाता है अभी ये शुरुआत सारी हुई थी इस लॉन्च व्हीकल से जो अभी ऑपरेशनल है अब इसमें आप बहुत सरल तरीके से अगर समझना चाहोगे तो दो तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है नंबर वन है इज कितना पेलोड मास यानी कितनी सेटेलाइट का वेट है जो ये लॉन्च व्हीकल हैंडल कर सकता है जब उसे धरती से स्पेस की ओर ले जाएगा सो इन द सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल इट वॉज फोर्टी के जी और इसमें सारे जो फ्यूल्स यूज होते थे डिफरेंट स्टेजेज में देवर सॉलिड तो जितने भी स्टेजेस ऑफ फ्यूल इसमें यूज होते थे देवर सॉलिड फ्यूल्स देन ए एस एल वी इसमें वन फिफ्टी के जी तक के पेलोड ये लॉन्च व्हीकल कैरी कर सकता था और इसमें फ्यूल अगेन ऑल सॉलिड देन वी मूव डॉन टू पी एस एल वी जिसका सबसे पावरफुल वर्जन था पी एस एल वी एक्सेल और इसमें अब हम करीब करीब दो टन यानी 1860 सिक्सटी का पेलोड जो है उसको हम सॉलिड एज वेल एज लिक्विड फ्यूल्स का इस्तेमाल करके हम स्पेस की ओर भेज सकते थे इसके बाद आता है जी एस एल वी मार्क टू अब पेलोड जो है 2200 सौ हो गया तो हम बहुत सारी सैटेलाइट्स को एक ही लॉन्च मिशन के अंदर लॉन्च कर सकते हैं बिकॉज अब हम 2200 सौ तक के पेलोड को यानी जो लॉन्च व्हीकल के ऊपर चीजें अटैच करके भेजेंगे उसको हम भेज सकते हैं अब यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी ऐड हो जाती है सॉलिड लिक्विड एज वेल एज क्रायोजेनिक अब आप देखेंगे जीएसएलवी इसमें एक यूनिक फीचर जो है क्रायोजेनिक फ्यूल का इस्तेमाल होना है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना अब देश के पास सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल जो है दैट इज जीएसएलवी मार्क थ्री जिसको एल वी के नाम से जाना जाता है इसमें अगेन क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है अलोंग विद सॉलिड और लिक्विड प्लस पे पेलोड मास कितना हो गया इट इज फोर थाउजेंड के जी सो दीज करना काफी नहीं है तो हम इन सभी लॉन्च व्हीकल्स के बारे में इन डिटेल भी आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे और साथ ही में ये भी सीखेंगे कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या चीज होती है इससे पहले हमारे यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज के बैचेस का अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं तो ये हमारे स्टूडेंट काउंसलर्स का नंबर है जहां पर कॉल करके आपके जो भी सवाल हो रिगार्डिंग योर करियर या कैसे प्रिपरेशन होगी ऑनलाइन लाइव क्लासेस आप कैसे लगा पाएंगे टीचर्स के साथ इंटरेक्शन कैसे रहेगी बुक्स और स्टडी मटेरियल आप तक कैसे पहुंचेगा प्लस सभी क्लासेस का रिकॉर्डेड फॉर्मेट आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं तो ये सारी चीजें आप हमारे स्टूडेंट काउंसलर्स को कॉल करके जान सकते हैं सो so बात करते हैं हम साउंडिंग रॉकेट्स की ये अभी प्रेजेंटली ऑपरेशनल है साउंडिंग रॉकेट्स दे आर वन और टू स्टेज सॉलिड प्रॉपलेंट रॉकेट मतलब Uh, बहुत सिंपल भाषा में हम बात करें तो ये बड़े सिम्पलीफाइड से रॉकेट्स हैं बहुत ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता दीज आर सम अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म्स जिसको हम टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कुछ प्रोटोटाइप्स को प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो कुछ टेक्नोलॉजी को हमें टेस्ट करना हो तो ये बड़े सिंपल से हमारे पास रॉकेट्स हैं जो ज़्यादा खर्चा भी नहीं करवाएंगे अफोर्डेबल हैं और ये साउंडिंग रॉकेट्स के नाम से जाने जाते हैं ऐसा पहला साउंडिंग रॉकेट जिसको लॉन्च के लिए इस्तेमाल किया गया था दैट वाज इन नवंबर 1963 और यह किया गया था थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन टर्ल्स से एंड ये ज्यादा वेट ऑफ पेलोड उसको कैरी नहीं कर पाएंगे बिकॉज दीज आर जस्ट टू टेस्ट द और प्रोटोटाइप्स अब इसमें करीब करीब तीस के या सत्तर के बहुत कम वेट के पेलोड जो हैं उनको ही भेजा जाएगा आगे चलते हैं जो अभी ऑपरेशनल है उनकी डिस्कशन चल रही है आफ्टर साउंडिंग रॉकेट द सेकेंड वन एज सेटेलाइट लॉन्च वहीकल तो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि अराउंड फोर्टी के का पेलोड जो है उसे लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए जो अर्थ के करीब है एज द नेम सजेस्ट तो इन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को यूज किया जाता है और जो पहली सैटेलाइट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करते हुए हमने लॉन्च की थी दैट वाज द रोहिणी सैटेलाइट उसके बाद एटीज में इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया और इसके बाद हमारे पास एक बेटर वर्जन दैट वॉज ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तो हमारे पास ए आ गए पी एस एल वी डेवलप हो गए एंड लेटर ऑन वी ऑल्सो प्रेजेंटली आर यूजिंग जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च वहीकल्स विच आर द मोस्ट पावरफुल वांस तो अब हमने सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को यूज करना थोड़ा कम कर दिया है तो अभी के लिए जिन लॉन्च व्हीकल्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं दीज आर साउंडिंग रॉकेट दीज आर दी एस एल वी एंड जी एस एल वी तो इनका ज्यादा इस्तेमाल होता है एंड हेर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर यू पीपल दैट यू शुड बी विजिटिंग द इसरो वेबसाइट एज वेल इसरो वेबसाइट में जाकर आप होम पेज पर एक्टिविटी सेक्शन के ऊपर होवर करेंगे तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां मिल जाएंगी और इन सभी टॉपिक्स को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप एग्जाम के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाएंगे तो ये एक्टिविटी आपको जरूर करनी है और इसमें लॉन्च व्हीकल्स की एक्सप्लेनेशन दैट इज वॉट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ सो नेक्स्ट इज पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है इंडिया के पास जो डेवलप हुआ इसका पहला सक्सेसफुल लॉन्च हुआ था इन अक्टूबर 1994 उसके बाद ये एक रिलायबल और वर्सेटाइल लॉन्च व्हीकल के रूप में इंडिया के पास काम करता है एंड पीएसएलवी के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट्स थी जब हमने अपना चंद्रयान वन एंड इवन द मार्स ऑर्बिटर मिशन जिसको हम मंगलयान के नाम से भी जानते हैं इन दोनों का लॉन्च भी पीएसएलवी के जरिए ही हुआ था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ने इसरो के लिए इतना काम किया है दैट इट अर्न द टाइटल ऑफ द वर्क होर्स ऑफ इसरो और बिकॉज पीएसएलवी अब काफी वेट कैरी करने के लिए सक्षम था तो यहां पर एक नई चीज क्या हुई दैट वॉज नाउ वी वर एबल टू प्लेस मल्टीपल पेलोर्स तो हमें एक सैटेलाइट नहीं भेजनी या मल्टीपल सैटेलाइट कई बार इंडिया के सैटेलाइट के साथ हम दुनिया के डिफरेंट देशों की सैटेलाइट्स वो भी साथ में पीएसएलवी का इस्तेमाल करके लॉन्च किया करते थे और बिकॉज इससे इसरो की और इंडिया की कमाई होती थी सो इवन द वेस्टर्न कंट्रीज लाइक फ्रांस यूएस उनकी भी बहुत सारी सैटेलाइट्स हम लॉन्च कर चुके हैं सो दिस बिकेम अ वेरी वर्सटाइल एंड अफोर्डेबल लॉन्चर नॉट ओनली फॉर इंडिया एंड इसरो बट इवन फॉर द ग्लोबल मार्केट अब अगले लॉन्च व्हीकल विच इज द जीएसएल और जियो सिंक्रॉनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसकी बात करने से पहले आपको थोड़ा अंदाजा होना चाहिए वॉट आर क्रायोजेनिक्स तो क्रायोजेनिक्स दिस वर्ड हैज़ बीन डराइव फ्राम कोल्ड एंड क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजीज चाहे वो स्पेस इंजन में एक फ्यूल हो या फिर वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हो जिसकी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं इट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड बिहेवियर ऑफ मटीरियल्स एट अ वेरी लो टेम्परेचर और अगर बात करें स्पेस टेक्नोलॉजी की और एज अ लॉन्च व्हीकल क्या फ्यूल का इस्तेमाल होता है तो इन द क्रायोजेनिक इंजनस लिक्विड ऑक्सीजन को एज एन ऑक्सीडाइजर इस्तेमाल किया जाता है और लिक्विड हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है सो इफ यू आर नॉट फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन इन दोनों को एट वेरी लो टेम्परेचर यूज किया जाता है एज अ फ्यूल जैसे हम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं किसी भी व्हीकल को चलाने के लिए वैसे ही लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके लॉन्च व्हीकल्स को अगर हम चलाएं तो हम बहुत ही पावरफुल लॉन्च व्हीकल्स बिल्ड कर सकते हैं जो हमने कर लिया विच इज़ नोन एज अ जी एस एल वी मार्क थ्री और हमने इन द बिगिनिंग डिस्कस किया था कि जी के अंदर सॉलिड फ्यूल पहले इस्तेमाल किया जाता है फिर लिक्विड और उसके बाद बारी आती है क्रायोजेनिक इंजन की क्रायोजेनिक प्रॉप्लेंट्स की और 2014 से हम इस्तेमाल कर रहे हैं जीएसएल वी मार्क टू का जिसके बाद हमारे पास सबसे जो बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जीएसएल मार्क थ्री और द एल थ्री वो हमारे पास आ गई और इसमें भी क्रायोजेनिक अपर स्टेज का इस्तेमाल हो रहा था एज अ फ्यूल एंड अब हम चार हजार तक के पेलोड को स्पेस में लॉन्च कर सकते हैं दिज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट तो एल बिकॉज सबसे लेटेस्ट सबसे पावरफुल लॉन्च वहीकल है देश के पास तो इसकी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए सो यू शुड बी पॉजिंग दिस वीडियो और ये सारी डिटेल अगर स्क्रीन पर

लॉन्च व्हीकल्स बहुत बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स के लिए बनाए गए हैं अगर हमें कुछ छोटी माइक्रो सैटेलाइट्स या नैनो सैट्स जिसको हम बोलते हैं नैनो सैटेलाइट्स उनको लॉन्च करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होने चाहिए

और ये पोर्टेबल रहते हैं इनको कहीं से भी लॉन्च करना थोड़ा इजी होता है रिलेटिवली एज कंपेयर टू द लार्जर लॉन्च व्हीकल्स लाइक जीएसएलवी एंड पीएसएलवी नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि स्पेस लॉन्चेस को लेकर शुरू से सिंस इंडिपेंडेंस और जब से हमारा स्पेस सेक्टर सेटअप किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तब से हमारी ऐसी कोशिश थी कि हम कॉस्ट को जितना हो सके कम करने की कोशिश करें और उसके लिए रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स ये सबसे बढ़िया चीजें अब इसमें क्या होता है कि री यूजेबल लॉन्च व्हीकल को आप बार बार यूज कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि एक बार लॉन्च करेंगे तो वो दोबारा लॉन्च करने के लिए ठीक नहीं रहेगा तो ऐसे री यूजेबल लॉन्च व्हीकल्स एज ऑफ नाउ दे आर इन द स्टेज ऑफ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर तो हम इसकी टेक्नोलॉजी को अभी टेस्ट करके देख रहे हैं सो दैट वी कैन डू लो कॉस्ट लॉन्च टू द स्पेस यूजिंग द सेम लॉन्च व्हीकल अगेन एंड अगेन अब इसकी जो लॉन्च व्हीकल की सारी बॉडी होती है वो सारी नहीं हमेशा री यूज होती कोशिश ऐसी है कि इसके कुछ पार्ट्स एटलीस्ट री हो सके एंड अगर आप हमारी न्यूज़पेपर क्लासेस भी फॉलो कर रहे हैं जो हर रोज सुबह आठ बजे लाइव जाती हैं इस चैनल के ऊपर वहां पर जब भी ऐसी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन होती है तो हम दोबारा से ऐसी सारी साइंस एंड टेक रिलेटेड चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं सो द नेक्स्ट इज स्क्रैम जेट इंजन तो अब हमने स्क्रैम जेट इंजन का भी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन करना स्टार्ट कर दिया है अब यहां पर आपको लेके चलता हूं सबसे इंटरेस्टिंग चीज के ऊपर और जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है स्क्रैमजेट इंजन जो ने किया या दुनिया के किसी भी हिस्से में डिजाइन हो रहा है उसमें हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है एंड ऑक्सीजन जो एटमोस्फेयर के अंदर है फ्लाइंग द इंजन इज गोइंग टू यूज द ऑक्सीजन एज द ऑक्सीडाइजर नाउ सी इफ यू नो देश के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चल रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसी हाइड्रोजन है जिसका जिसको प्रोड्यूस हम कर सकते हैं एच टू ओ से यू नो वू इज It is water, right? तो बहुत फ्रीली अवेलेबल है नेचर में उसका अगर इलेक्ट्रोलिस किया जाए और उसमें जो बिजली का इस्तेमाल किया जाएगा फॉर द इलेक्ट्रोलिसन अब ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करें एज अ फ्यूल एंड एज द ऑक्सीडाइजर वी आर यूजिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर सो इससे बेटर इंजन नहीं हो सकता एंड दिस इंजन इज ऑल्सो गोइंग टू बी मच मोर पावरफुल एज कम्पेयर टू ऑल द प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के बाद नेक्स्ट इज ह्यूमन रिलेड

लॉन्च व्हीकल जिसकी रिसर्च अभी चल रही है ऐसे और भी बहुत सारे करंट अफेयर्स कवर करने के लिए डोंट फर्गेट टू प्रेस द लाइक बटन सो दैट यूट्यूब आपको इस चैनल की ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस को सजेस्ट करता रहे यू कैन ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन तो आपको और चांसेस होंगे नोटिफिकेशन आने के हमारे स्टूडेंट काउंसलर से बात करके आप हमारे सब्जेक्ट क्लासेस में यानी बैचेस का भी पार्ट बन सकते हैं एंड इफ दिस क्लास वॉज हेल्पफुल यू कैन रेट दिस क्लास इन द कमेंट सेक्शन तो ऐसी क्लासेस के साथ आगे भी मिलते रहेंगे सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गुड बाय